नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो जो है मोस्ट अवेटेड वीडियो है। आपने काफी टाइम से इंतजार किया था इस वीडियो के लिए। हालांकि जो ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग बहुत जल्दबाजी में बना रहे हैं, क्योंकि अचानक बनाना पड़ा, कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक यह वीडियो शूट करना पड़ा। और इसको हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो आपने मांग किया था कि जो लाइव कैसे आर्य समाज में मैरिज होता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, कैसे कहां पे ये सभी काम होता है, लीला कैसे कराती है, तो जिस जगह पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जब आप मैरिज के लिए आते हो, ये मैं तहसील के अंदर जहां पे आपका मैरिज रजिस्टर्ड होता है वहां पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। आप जब भी आते हैं तो यहां पे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। आगे आने वाले वीडियोज में मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, मैं निबंधन भवन की बिल्डिंग दिखाऊंगा, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन होता हुआ दिखाऊंगा, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जहां पे हम बैठ के इसी जगह पे बात कर रहे होते हैं वो दिखाऊंगा। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आर्य समाज मंदिर में, जो कि मंदिर जहां पे मैरिज, वो प्लेस जहां पे मैरिज परफॉर्म कराया जाता है, जिन्होंने मैरिज परफॉर्म किया, चूंकि ये मैरिज जो परफॉर्म किया है उसमें घर के गार्जियन भी शामिल है, दोनों तरफ से घर के गार्जियन आए और वो शामिल है। उनका कहना ये था कि आज के जमाने में जो हम लाखों करोड़ों एक रात के अंदर केवल बैंड बाजे और बेवजह के शोरगुल में खर्च कर देते हैं, केवल कम पैसे के अंदर हम शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लीगल शादी कर सकते हैं, फिर उसके बाद से हम एक पार्टी दे दें, पार्टी दे करके हम ये करें, तो इसलिए वो आए थे। दोनों परिवार अरेंज मैरिज था। मैं आपको बताऊं कि अरेंज मैरिज, जिस कपल को हम दिखाएंगे ये अरेंज मैरिज था। इसमें लड़का लड़की को घर वालों ने ढूंढा, उनकी शादी तय की, फिर वो आए, आके पहले आर्य समाज में मैरिज कर रहे हैं, फिर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने, उसके बाद से उन्होंने अपने वक्तव्य, अपने बयान भी दिए। तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा, और जब आप पूरा देख लें, अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर भी करें। अच्छा लगा जो भी था, पहला एक्सपीरियंस था, कभी नहीं गया, सब कुछ न्यूज न्यू था। एक्चुअली आने से पहले काफ़ी कुछ बताया जाता था कि कोर्ट मैरिज में काफ़ी हरासमेंट होती है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि वन डे में भी प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो जी लीला मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव भी रहे, यहाँ के सुभाष जी ने काफ़ी फेवर किया हमारा, सभी तरह से मतलब कि फेवरेबल रहा, और मतलब ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे में हम फ्री भी हो गए यहाँ से। थैंक यू। ये बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर जो शादी हुई है वो तो इस तरीके से होनी चाहिए, और लोग करोड़ों रुपये खर्च करते हैं उससे यहाँ पर बहुत अच्छा है, सब कुछ विधि विधान के रूप से होता है। और अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो लोग बोलते हैं, यहाँ पर सभी सुविधाएं ये अरेंज मैरिज की तरह बहुत बढ़िया है, विधि विधान से सारे काम होते हैं यहाँ पे। आपने जो शादी, आप लोगों ने क्यों तय किया कि लव मैरिज मतलब ऐसे करना है, पहले आर्य समाज और फिर कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करा के फिर समाज में करना है, क्यों ऐसा तय किया? इसलिए किया हमने कि एक तो यहाँ से पक्का काम हो गया, दूसरा ये है कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी हमें जीवन में भी,
और विधि विधान से सारे काम हो गए। यहाँ जो सोच रहे थे उससे भी अच्छा काम हुआ है। लीला के माध्यम से लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स ने ये शादी कराई है, जैसे भी कराई हो आपको लगा कि ठीक से कराई? हाँ ठीक से कराई सर, बहुत अच्छा हुआ। आपको कैसा लगा? ऐसे हम थोड़ी शब्दों में निपटाई दे रहा हूँ कि दिन तो कट जाता है किसी के इंतजार में, रात कट जाती है तारों की शुमार में, मगर वो पल काटे नहीं कटते जब आंखें लगी हों किसी के इंतजार में। तो ये घड़ी जो है बहुत दिनों बाद हमें मिली है, ये खुशी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, है ना। और इसके लिए मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था जो आज पूरा हुआ। इसके लिए हम ऊपर वाले को लाख लाख शुक्रिया कहेंगे कि उसने जो कम से कम इन लोगों को भी सद्बुद्धि दे दी और हमें दी, तो उसके लिए तो हम हैं ही उसके ऋणी। और यहाँ पे आप लोगों का जो हमें सहयोग मिला, सानिध्य मिला, उसके लिए हम बहुत बहुत ऊपर वाले के आभारी हैं कि आप लोगों का सहयोग और स्नेह मिल गया, नहीं तो हमें इसकी उम्मीद भी नहीं थी। क्यों, इतनी बड़ी दिल्ली है और हम बाहरी आदमी, वो तो बेटा थोड़ा चला फिरा है इसलिए यहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो हम पहुँच भी नहीं पाते। तो बहुत अच्छा लगा। खैर, भगवान आपको और सद्बुद्धि दे और इससे कम खर्चे में, है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। तो ये अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आप लोगों ने जो ये मतलब ब्यूरो बना रखा है, बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें हो रही थी वो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया। आपको अच्छा लगा होगा मुझे उम्मीद है। और मैं आपको यह भी कहूंगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए। और आप लगातार लीड इंडिया को देखते रहिए, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। हम लगातार आपको मदद करते रहेंगे और लाइव वीडियो पे और भी अनेक वीडियोस लेकर के आएंगे, और भी स्टेटमेंट्स, और भी लोगों का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा होता है वो लेकर के आएंगे। आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार भरपूर बरसाइए। आजकल आपका प्यार थोड़ा कम मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।